हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ में प्रतिशत चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने लगभग सारे टाइप कवर कर लिए हैं, बस दो तीन टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। आज हम लोग चुनाव से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चुनाव से संबंधित कुछ बातें आपको जाननी होंगी, जो बेसिक सी बातें हैं, जिसके बिना जाने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। चुनाव से संबंधित प्रश्न, तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो चुनाव से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। तो अब देखिए, कहीं मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है, तो अपने यहाँ पे तो चुनाव में बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो हमें प्रश्न मिलेगा उसमें अधिकतम प्रश्न जो मिलेगा, एक लोग, दो लोग और तीन लोग, यानी तीन लोग से ज़्यादा किसी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। यानी कि हमें केवल वही प्रश्न मिलेगा, मैक्सिमम प्रश्न तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल दो ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और हो सकता है पूछे जाएं जिसमें तीन प्रत्याशी चुनाव लड़ें। ठीक है, तो पहली बात यह है कि चुनाव में दो या तीन प्रत्याशी होंगे। दूसरी बात कि कोई एक प्रत्याशी जीतेगा, अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो कोई एक जीतेगा। मान लीजिए पहला वाला जीत गया, तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हारेगा। अच्छा, अगर तीन की बात कर लेता है तो मान लो कि पहला वाला जीता, तो इसका मतलब बाकी दो हारे। ठीक है, तो हमें केवल ये जानना है कि उस चुनाव में कोई एक जीतेगा, बाकी क्या होगा, बाकी लोग हार जाएंगे। दो लोग हैं तो दूसरा वाला हारेगा, और तीन लोग हैं तो बाकी बचे दो लोग हारेंगे, एक जीत जाएगा। अब चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं उनको हम कहेंगे वोटर, वोट भी कहते हैं, मत भी कहते हैं, तो इसलिए वोट से वोटर, जो व्यक्ति वोट डालेगा उसको वोटर बोलेंगे, या फिर मतदाता भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कितने मतदाता हैं या कितना कुल वोट पड़ा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात यहां पे आप जानिए, जो वोटरों की संख्या होगी हम हमेशा उसको क्या मानेंगे, 100% मान के सॉल्व करेंगे, हम उसको 100% मान के सॉल्व करेंगे। यानी एक ये नॉर्मल सी बात आपको जाननी है। अब दूसरी बात क्या हुआ, कोई चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जो वोट पड़ा, जितने भी वोट पड़े, हो सकता है उसमें से कुछ वोट क्या हो जाएं, अवैध हो जाएं। अवैध का मतलब अनवैलिड हो गए। ठीक है, और बाकी बचा जो है वो वैध होगा, इसका मतलब। तो जो हार जीत होती है, जो हार और जीत होगी वो हमेशा वैध मतों के आधार पर होती है, अवैध मतों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये रही हमारी बेसिक सी बात, और इससे जुड़ी एक और बात कि चुनाव में जो वोट पड़ेगा अगर उसमें से कुछ वोट अवैध हो रहा है, तो उस अवैध वोट को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कुल वोट में तो वो भी काउंट होगा, मगर हार और जीत में अवैध वोट काउंट नहीं होता है। ठीक, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करने का बढ़िया सा मेथड, आसान आसान तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। अब देखिए, समझिए, चुनाव हुआ, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, हम हमेशा कितना मानेंगे, 100% वोट पड़ गया। यानी कि अगर 100% वोट पड़ा तो उसमें से एक बंदा, प्रत्याशी थे दो, एक जीता और दूसरा क्या हुआ, हारा। तो जो जीतने वाला व्यक्ति है उसने कितना वोट प्राप्त किया, 60%। तो 100 का 60% का मतलब 60 हो गया। अगर हम इसको परसेंटेज कहें, चाहे यूनिट कहें, तो ये 60 यूनिट हो जाएगा।
तो अब देखो 60 ये हो गया, तो 60 में कितना जोड़ दें कि 100 हो जाए, यानी कि 40, जो हारने वाला बंदा है उसको कितने वोट मिल गए, 40 यूनिट के। तो इसका मतलब जीतने वाला बंदा कितने वोटों से जीता, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 20 यूनिट वोटों से ये जीत गया। ठीक, 20 यूनिट ये हमारे अकॉर्डिंग है, प्रश्न में दिया गया कि वो 1600 मतों से जीता, 1600 मतों से, यानी ये 20 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 1600 मत के। तो एक यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा भैया, 80 मत के हो जाएगा। अरे जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, दो से कैंसिल कर दीजिए, तो 80 दुना 160, इतना मत हो जाएगा। एक यूनिट बराबर 80 मत के, तो हमें कुल मत बताने हैं, यानी 100 यूनिट बराबर 8000 मत के। ठीक है, ये एकदम मुंहजबानी सवाल सवाल हो सकता है, बस ये तो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया, दूसरे तरीके से समझिए आप इसको। मान लीजिए कुल वोट था एक्स, एक्स में से किसी बंदे ने 60% वोट प्राप्त किया, तो इसका मतलब दूसरे वाले ने कितना प्राप्त किया, अगर 100% वोट रहा हो तो दूसरे वाले ने 40%, यानी ये जीता कितने वोटों से, कितने वोटों से ये जीत गया है, 20% से। और 20% का मतलब हुआ 1/5, आप एक बार लिख लीजिए, यानी कुल वोट का 20% जो है यही 1600 वोट के बराबर है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 20/100 या 1/5 भी हम इसको लिख सकते हैं, और 16 पंचे 80, 8000 के हो गया। मतलब ये आप बहुत आसानी से मुझबानी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, आपको पेन नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए चाहे ऐसे आप सॉल्व करिए और चाहे ऐसे आप सॉल्व करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से हार गया, तो नंबर 1 कुल मतों की संख्या ज्ञात करो और नंबर 2 जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत ज्ञात करो। अब समझिए क्या हुआ, एक चुनाव हुआ, आप समझ लीजिए पहले एक बार, इस चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक जीत गया और दूसरा हार गया। तो जो हारने वाला है उसने 40% वोट प्राप्त किया, तो इसका मतलब जो जीतने वाला है वो 60% वोट प्राप्त करेगा, तभी तो चुनाव में जो इतना 100% वोट पड़ा है वो बात होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा जो हारने वाला है वो 298 मतों से हारा, तो ये हारा कितने से, 20% से हारा ना, हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले से 20% से हारा, यही 20% बराबर 298 मत के हो जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 5 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 5 8 40, 4 के 5 9 45, 4 49, 4 5 2 9 10, 4 14, यानी कि 1490 कुल मत थे। कुल मत कितने थे, 1490 थे। अब इसने एक बात और पूछी है, ये तो पहला पार्ट हो गया कुल मतों की संख्या बताओ, और दूसरा पार्ट है कि जीतने वाला व्यक्ति कितना प्रतिशत मत प्राप्त करता है। तो जीतने का मतलब 60% है, 20% बराबर इतने के, तो 20 तिहाई 60, यानी कि 3 से गुणा कर दें तो 60% बराबर, इसको देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझिए गुणा करने का तरीका, आप मुझबानी कैसे करेंगे, 300 माइनस 2 लिख सकते हैं आप इसको, 3 से गुणा करना है तो 3 3 का 9, 900 हो जाएगा, और 3 2 9 6, 900 में से 6 घटा दीजिए, यानी 894 मत हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी जो जीतने वाला व्यक्ति है वो 894 मत प्राप्त करता है, और कुल कितने मत पड़े, 1490। अगर यही पूछ लिया होता कि हारने वाले ने कितना मत प्राप्त किया, तो हम क्या करते, हारने वाले के लिए निकाल देते 20% बराबर 298 के, तो इसमें 2 से गुणा करिए, यानी कि 40% बराबर इसमें 600 में से 4 घटा दीजिए, 594 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अच्छा, ये तो रहा कि हम एक तरीके से ऐसे सॉल्व करें, दूसरे तरीके से वही अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि एक्स मत था, कुल कितने से हारा, 20% से, तो 20% का मतलब हुआ 1/5,
यही तो हो जाएगा, चाहे आप इसको लिख सकते हैं 20% बराबर कितने के हो जाएगा, यही 298 मत के, यानी कि यहाँ से x बराबर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1490 के। ठीक, अब भी यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जिससे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है और ये आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाला जिसमें से 2% मत अवैध हो गया। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किया जो वैध मतों का 75% था, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाला, तो अब समझिए कुल मत अगर हम x मान लें तो x का 75% लोगों ने वोट डाला, अर्थात 3/4 लोगों ने वोट डाला, यानी इतना वोट पड़ गया है। अब इसमें से बताया गया 2% मत अवैध घोषित हो गया, यानी 100% ही अपने आप में था, 2 अवैध हो गया, तो बचा कितना वैध, 98% जो है वो वैध बचा। अच्छा, वैध मतों का एक व्यक्ति 75% अर्थात 3/4 प्राप्त करता है, जो कि है कितना, 9,261 मत है, इतना मत है। ठीक है, तो कुल पंजीकृत वोटरों की संख्या ज्ञात करिए। x की वैल्यू आपको बतानी है, देखिए कुछ नहीं है अब सवाल में, यहां से देखिए 3 तरीका 9 बन जाएगा, 9 से अगर हम इसको कैंसिल करें, 9 * 1 = 9 जीरो लगा देते हैं, 9 * 2 = 18 और 9 * 9 = 81 के, बताइए कोई समस्या नहीं है। इसको हम कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 49, यानी कि इसको आप 7 से कैंसिल कर दीजिए तो 7 * 7 = 49 और 7 * 1 = 7 = 28, 7 * 7 = 49 यानी कि 7 * 2 = 14 और 7 * 1 = 7 = 21 आ जाएगा। तो x बराबर आया कितना, समझिए ये 4 * 2 = 8 यहाँ पे जाएगा, 8 * 1 = 8, 8 * 2 = 16 और डबल जीरो लगा दीजिए, अर्थात कुल पंजीकृत वोटरों की संख्या क्या थी, 16,800 थी। कुल पंजीकृत वोटरों की संख्या 16,800 थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12 सही 1/2% मत अवैध हो गया, तब 2 उम्मीदवारों में से जीतने वाले ने वैध मतों का 60% प्राप्त कर 56% मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। अब समझिए कोई चुनाव है, मान लीजिए उसमें x परसेंट वोटर है, जिसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 100% था, 20% ने नहीं डाला, 80% ने डाला, 80% का मतलब हुआ 80/100 यानी 4/5 के, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पड़े मत में से 12 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 1/8, इतना मत क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो अगर 8 में से 1 मत अवैध हो गया तो बचा कितना, 7/8 मत वैध बचा। अब कह रहा है तब जीतने वाले को वैध मतों का जीतने वाले ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया, यानी कि ये वैध मत था, इसका 60% अर्थात 60/100, तो 20 * 3 = 60 और 20 * 5 = 100, 3/5 इतना वोट प्राप्त किया उसने, वैध मतों का इतना वोट प्राप्त कर क्या 5600 वोटों से जीत जाता है, 5600 वोटों से जीत जाता है। अब आप समझिए अगर एक ने 60% प्राप्त किया तो इसका मतलब हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, 40% प्राप्त किया, इसका मतलब ये वैध मतों के कितने परसेंट से जीत रहा है, 20% से जीत रहा है। ठीक है, कितने जीत रहा है, 20% से, 20% का मतलब 1/5 होता है
और ये इतने मतों से जीत गया, ये बराबर किसके हो जाएगा 5600 के, तो ये बराबर हमने 5600 से कर दिया। 7 चौक 28 और 28 दूना 56, ये 200 के बराबर हो जाएगा। और x बराबर आप समझिए 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10 यानी कि ये 000 हो गया, और 8 पंचे 40, यहाँ पे 4 10 सहित लगा देते हैं, तो कुल कितने वोटर थे उसमें आपका निकल के आ गया, कितना आ गया 40,000, ठीक है, यानी 40,000 वोटर थे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 6। एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया और 11 सही 1/9% मत अवैध हो गया, तब जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और दूसरे उम्मीदवार को 2000 मतों से, दूसरा उम्मीदवार 2000 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए समझिए, मान लीजिए कुल कितने मत थे, x मत थे, x में से 10% लोगों ने मत नहीं दिया, अर्थात 90% लोगों ने मत दिया, 90% का मतलब 9/10, यानी कुल इतना वोट पड़ा। इसमें से 11 सही 1/9%, इसका मतलब कितना हो जाता है, 1/9 हो जाता है, यानी कि 1/9 मत अवैध हो गया। तो वैध कितना रहा, देखिए कुल अगर 9 था तो 9 में से 1 अवैध घोषित हो गया, तो बाकी बचा 8 वैध था, यानी 8/9 मत वैध था। अब एक बंदा जो है यहां पे देखिए, एक बंदा जीत रहा है जो, वो 75% वोट प्राप्त किया, तो इसका मतलब हारने वाले ने, जो हारेगा वो कितना प्राप्त किया, क्योंकि वैध मत 100% उसी के बेस पे जीत हार होगी, तो अगर एक ने 75% प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब बाकी ने यानी दूसरे वाले ने 25% प्राप्त किया, तो जीतने वाले बंदे ने कितने प्रतिशत मत से वोट, सॉरी कितने प्रतिशत मत से चुनाव जीता, 50% से, और 50% का मतलब 1/2, ये बराबर कितने के हो जाएगा, 2000 मत के हो जाएगा, कितने के, 2000 मत के हो जाएगा। भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 से 9 आप कैंसिल कर सकते हैं, यहां से 2 ले लीजिए 4, यानी ये 2 कट जाएगा, यहां पे 5 बच जाएगा, ठीक है। x बराबर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहां पे चले जाने दो, यानी कि 5000 मत वहां पे पड़े, कुल कितने वोट पड़े वहां पे, 5000 मत थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तब एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करके 2000 मतों से चुनाव जीत लिया, तो कुल वोटरों की संख्या ज्ञात करिए। अब समझिए, हम कह लेते हैं कुल कितने वोटर थे, x थे, x में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने, 90% लोगों ने, 90% का मतलब 9/10, इतने लोगों ने वोट दिया। अब ये इतना वोट पड़ चुका है, इसमें से पता चला 2500 वोट अवैध घोषित हो गया, यानी कि ये तो कुल वोट था, अब इसमें से अगर हम 2500 को हटा दें वोट को, तो ये आया हमारा वैध वोट, यानी इतना वोट क्या है, वैध है, ये वैध वोट है। अब आप समझो, अगर 90 ही, 100 में से 90 ही वोट पड़ा था, तो जो जीत हार होगी वो इसी के बेस पे होगी। कह रहा है एक को 55% वोट प्राप्त हुआ, 100% हम मान लेते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर एक को 55% मत प्राप्त हुआ जो जीत रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा, 45% मिल जाएगा। जीतने वाला 55% प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला क्या करेगा भैया, 45% प्राप्त करेगा, यानी जीतने वाला व्यक्ति कितने परसेंट से जीत रहा है, 10% वोट से जीत रहा है, तो वैध मतों का 10% वोट से वो जीत रहा है, 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/10, और ये बराबर कितने के हो जाएगा, कहा उसने 2000 वोटों से चुनाव जीता, तो 2000 वोट से
चुनाव जीता। बताइए, कोई समस्या नहीं होगी। आप समझिए, इसको हम लिख सकते 9x/10 और इस 10 को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 20,000 के, और इसमें से 2500 को जोड़ देना है इसको। ठीक है, 2500 को जोड़ देते हैं। तो जब आप 2500 को इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 225,000 के, और एक 10 को इधर भेज दो तो 000। तो ये 9x बराबर आया, यानी x बराबर कितने के आ जाएगा, 9 × 18 = 45 अर्थात 25,000 लोग वोट डालने वाले थे। ठीक, कितने लोग थे, कुल वोटरों की संख्या क्या थी, 25,000 थी। अगर ये पूछे कुल कितना मत पड़ा, तो देखिए 10% लोगों ने तो मत डाला ही नहीं, 90% ने ही डाला था, यानी इसका 90%। यहां से हम क्या करें, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 9 225 के, और 00 लगा दो, यानी कि इतना वोट टोटल पड़ा था, 22,500। ठीक है, तो जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाए आप वैसा फटाक से कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदान कम हुआ और 300 मत अवैध पाया गया, तो जीतने वाले ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त कर 900 मतों से चुनाव जीत लिया, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। अब आप समझिए क्या हुआ, मान लीजिए कुल वोट कितना पड़ा कुल वोट था कितना x में से 10% वोट कम पड़ा, यानी पड़ा कितना 90%, यानी 9/10 हम कर सकते हैं, इतना वोट पड़ा, मगर इतने वोट में से 300 मत अवैध घोषित हो गया, तो अगर कुल मत में से 300 को हम हटा दें तो ये वैध मतों की संख्या आ जाएगी। अब वैध मतों में से जो जीतने वाला बंदा है वो 60% प्राप्त किया, इसका मतलब जो हारने वाला होगा वो कितना प्राप्त किया, 40%, यानी कि 20% से जीतने वाला बंदा 20% वोट से चुनाव जीता, तो 20% का मतलब कितना हो गया भैया, 1/5, और ये बराबर कितने के है, ये बराबर है 900 मत के, कितने के भैया, 900 मत के ये बराबर है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 9 × 45, इस 300 को उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 4800। बोलिए, ठीक है, ये 4800 मत आ गया, और यहाँ पे आएगा 9x। अगर हम इस 10 को भी उधर भेज दें तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, इतना मत हो जाएगा। बोलिए, अरे इस 5 को हम इधर भेज दिए तो ये 4500 हो गया, इतना बराबर 4500 को 300 को उधर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा, 4800 हो गया। अब 9x/10 बराबर 4800 को 10 के जीरो इधर भेज देते हैं, इतना मिल जाएगा हमें, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9 × 45 के 3 बच जाएगा, 9 × 27, यहाँ पे 9 × 27 आया, और फिर ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है हमारा, 3 बच जाएगा, 9 × 27 और फिर से 0.9 × 27 ही आता जा रहा है। ठीक है, इतना मत पड़ रहा है, ये एग्जैक्ट हमारा कट नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं इसको। दो उम्मीदवारों में से 10% कम मतदान हुआ, ठीक है, इसमें से कुल मतों का 60% प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो जीत गया है, 300 मतदान अवैध हुआ है, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, 20% से जीता, 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब बढ़िया है। ठीक है, इसने पूछा क्या हुआ है, इसने पूछा है तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो अगर हमें वैध मतों की संख्या बतानी है तो क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू हम लाके रखें तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 48000/9, ये x की वैल्यू हो जाएगी, इसका 9/10 − 300, यही तो हमारा वैध मत है। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 4800 में से 300 कैंसिल कर देते हैं तो 4500 मिल जाएगा। अच्छा, अब एक बात समझो आप, अगर आपसे ये तो पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, अब एक बात समझो, अगर उसने हमसे पूछा कि वैध मतों को बताइए, तो यही तो जो लिखा हुआ है ये वैध मत है ना, इसको जैसे ही हम इधर भेजे ये 4500 के बराबर हो गया, यानी कि यही हमारा वैध मत है, यहीं पे हमारा आंसर मिल गया, बस क्या करना था, खाली
थोड़ा सा ध्यान लगाना था कि प्रश्न में पूछा क्या है उसको हम ध्यान से देखते तो हम यहीं पे फटाक से आंसर दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, ए और बी ने एक चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने बी को। चुनाव वाले दिन ए के 15% वोटरों ने व बी के 25% वोटरों ने अपना वादा तोड़ा, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। यदि बी ने 750 मतों से चुनाव जीता हो। अब आप समझिए, दो लोग थे, एक था ए और एक था बी। अब बात यह हुई कि 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया। 2/5 का मतलब 5 में से 2 लोगों ने ए को कहा मैं तुम्हें वोट दूंगा। तो हमें आसानी हो इसके लिए इसको क्या कर लो, 500 कर लो और इसको 200 कर लो। तो इसका मतलब कुल को ये दिखाएगा, कुल वोटर कितने हो गए 500 यूनिट के। तो जिसमें से 200 ए को बोले, इसका मतलब बाकी बचे 300 लोगों ने कहा कि बी को कि मैं तुम्हें वोट दूंगा। मगर जब चुनाव वाला दिन आया तो क्या हुआ, ए के 15% यानी ए के 15% वोटों ने अपना वादा तोड़ दिया, अर्थात 15% वोटों ने, सॉरी 15% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो 200 का 15% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 30, यानी इसमें से 30 घटा देते हैं तो आ जाएगा 170, 30% लोगों ने वोट नहीं दिया। और बी के 25% लोगों ने, अर्थात 25, जब इसका हम 25% निकालेंगे तो 75 आ जाएगा, तो 75 लोगों ने यानी 225 लोगों ने इसे वोट दिया। अब आप समझिए ध्यान से, वोट तो दिया सभी ने, लेकिन इसके 25% ने जब वोट इसको नहीं दिया तो वोट दिया किसको, यानी इसके 25% अर्थात 75 लोगों ने ए को वोट दे दिया। हम 75 को लाके यहां पे ऐड कर देते हैं और इस 30 लोग जो ए को नहीं दिए वो किसके पास चले गए, बी के पास चले गए, अर्थात इसको मिला कितना, 5 और 7 7 14, 245 यूनिट का वोट मिला। और इसको कितना मिल गया, 5 इधर का 5 इधर का और 255 का मिल गया। यानी ये 245 वोट पाता है और बी 255 यूनिट वोट पाता है। तो बी चुनाव जीत रहा है कितने से, 10 यूनिट से। ये 10 यूनिट बराबर दिया हुआ है 750 के, 750 मत के। अर्थात हमें बताना कुल कितना है, कुल वोटों की संख्या या कुल वोटरों की संख्या तो 500 के है, यानी अगर हम इसमें 50 से गुणा कर देंगे तो ये 500 बन जाएगा। 500 यूनिट बराबर, आप समझो यहाँ पे एक जीरो इसका और एक 50 का जीरो लगा दिया, 5 25 2 बन जाएगा, 5 7 35 2 37, अर्थात 37,500 मत कुल पड़े। ठीक है, कुल मत कितने पड़े, 37,500 मत पड़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने चुनाव से संबंधित प्रश्नों को देखा, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में, और ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।